और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां रतनपुर के भैरव मंदिर में भक्तों की लंबी कतार है। भैरव बाबा को तंत्र अधिष्ठाता भगवान माना जाता है। भैरवनाथ के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। नवरात्र का पर्व चल रहा है और रतनपुर धार्मिक स्थल है, यहाँ महामाया देवी के नाम से प्रसिद्ध है और भैरव बाबा यहाँ द्वार पर विराजित है। स्वयंभू भैरव देवता साक्षात है, संत अधिष्ठाता के नाम से भी भैरव बाबा प्रसिद्ध है। हम इस वक्त हैं भैरव बाबा मंदिर में, पिछले 5 सालों से आ रहे हैं और काफी यहाँ से मतलब बहुत आनंदित हो रहे हैं हम लोग। कहाँ कहाँ दर्शन करते हैं ज्योति कलश विजय? हम लोग तखतपुर से आए हुए हैं जी। बताइए कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से आस्था रखते हैं? हम लोग रायपुर सड्डू से आ रहे हैं, बहुत अच्छा दर्शन हुआ है। पहली बार आए हैं क्या? हाँ, हम लोग पहले बार आए हैं यहाँ पे। आस्था के लिए श्रद्धालु दीप भी प्रज्वलित कराते हैं, अपनी कामनाओं को लेकर ज्योति कलश भी प्रज्वलित कराते हैं। देखिए कि भैरव बाबा मंदिर में किस तरह से ज्योति कलश ये प्रज्वलित किया गया है। इसके साथ ही यहाँ संत अधिष्ठाता भगवान भैरवनाथ को हर रोज रात की आहुति भी दी जाती है। देखते कि किस तरह से आहुति जो है वो भगवान भैरवनाथ को दी जा रही है और लगातार इस तरह से अनावरत हर बार नवरात्र में, और नवरात्र के अलावा भैरव जयंती के महोत्सव कार्यक्रम भी किया जाता है, उसमें भी इस तरह से तांत्रिक जो अनुष्ठान है, मांत्रिक जो अनुष्ठान है वो किए जाते हैं। इस तरह से लगातार भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों से आहुतियां दी जाती है, विशेष आहुतियां दी जाती है। इसी तरह से श्रद्धालुओं की जो लंबी कतार है ये बताता है कि किस तरह से श्रद्धालु इस मंदिर पे आस्था रखते हैं और अपनी कामनाओं को लेकर मंदिर पहुंचते हैं। और इसके अलावा रतनपुर में और भी कई मंदिर हैं, यहाँ भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन रवि तंबोली के साथ कान्हा तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस।